fucking world. जैसी है इसमें स्टिकी ज़्यादा है इसमें फ्रेम इसमें पूरा ट्रांसपेरेंट है निकालने जाएंगे तो अंदर डिस्प्ले खत्म हो जाएगा पूरा लेंस नहीं पड़ेगा सिर्फ ग्लास ही चेंज करना अच्छा फ्रेम ऐसे ही रहेगा
फ्रेम इसका निकालेंगे तो ये देखो पूरा ऊपर तक है। अब ये तो एक बार साफ करके मेरी पता चलता है सेफ हो गया ना। हाँ हाँ कॉर्नर सेफ है, बिल्कुल इजी है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। सही में छोड़ा मदरबोर्ड गया मेरा, मदरबोर्ड फट चुकी। बैकलेस विलेज वैसे रीस्टार्ट हो सकता है, एप्पल कट हो सकता है। चार्जिंग पत्ते में इसमें देखेंगे, मैं आपको बताया इन्होंने तो चार्जिंग पत्ते में बोल रहे थे आईसी आईसी उठा के देखना पड़ेगा। बिना बैकग्लास के अभी पता लग जाएगा। फोर ऐड देना जिनकी देने अभी लोगों को वो क्लियर कर देते हैं। आ रही है डिस्प्ले, आ रही है, आएगी आएगी यार। क्लैपिंग अभी इसका चार्जिंग पत्ते का देखते हैं। आईसी है वो पोस्टर डाल रहे थे ना आईसी आईसी। सी केबल कोई भी लग जाती है, जरूरी नहीं एप्पल वाली लगेगी। हमने लगा के देखी है सैमसंग वाली भी, इसलिए बोल रहे थे कि दूसरी कॉपी नहीं है, एंड्रॉइड की सपोर्ट नहीं करेगा वो, कोई भी नहीं है। नहीं नहीं लग रही है। फॉरवर्ड नहीं ये दूसरा, अभी आपको वो भी फॉरवर्ड सिंपल फॉरवर्ड केटी बग किंग ऑलवेज किंग। अब भैया महंगा खरीद के कल पोस्ट डालने की जगह है नहीं, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं बराबरी करने के अंदर, वो लाइफ लॉन्ग परेशान। लास्ट टाइम एक ने कोशिश करी थी मैं भी महंगा खरीद के और ग्लास चेंज करके दिखाऊंगा, आज तक ब्लॉक है भैया। फिर ऐसे है ना, एक ही किया था ना, मतलब दोस्त सब है यार, एक ने कर दिया तो बस हो गया ना। 50 प्रो मैक्स पे देखते आएगी कि नहीं, आ गई मगर ये छोटी आएगी, छोटी आएगी ना लाइन। 15 प्रो पे 15 प्रो मैक्स की डिस्प्ले लगाई है और इसमें साइड पे लाइन आ रही है, बस छोटी है ना। अभी टच देखते हैं, चला के टच वर्क कर रही है जब देखिए, ये देखो पूरी डिस्प्ले छोटी बनी है, टच नॉट टच यहाँ से चलेगा।
नहीं टच नॉट कर दिया था, टच नहीं चलेगा, सर्किट का फर्क होगा ना। भाई जी एक बार